पहले पेजर ब्लास्ट हुए जिसमें 12 लोगों की जान गई और करीब 3000 लोग घायल हो गए। अब इस घटना को बीते 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए। ऐसे में लगता है कि हिजबुल्ला का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम निशाने पर है। बुधवार को एक घंटे में बेरूत, बेका, नबितिया और दक्षिणी लेबनान में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके हुए और इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। अब इन सब ब्लास्ट के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। लेबनान के सिलेसवार कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए ब्लास्ट के बाद से मिसाइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर चर्चा में है। ब्लास्ट के पैटर्न से बना जा रहा है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि मोसाद का ही है। दरअसल इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुश्मन के लिए काल माना जाता है। यह एजेंसी इतनी खुफिया तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देती है कि दुनिया में किसी को भी भनक नहीं लगती। यही वजह है कि इस बार भी लेबनान में हुए धमाकों में मोसाद का हाथ माना जा रहा है। इससे पहले 31 जुलाई को तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया को लेकर भी दावा किया जाता है कि मोसाद ने ही उनकी हत्या करवाई है। मोसाद इसराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। वही 13 दिसंबर 1949 को इसका गठन हुआ था। आपको बता दें कि किसी दुश्मन को खत्म करने से पहले मोसाद उसके बारे में एक एक गुप्त जानकारी जुटाता है, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्थानीय लोगों का सहारा लेता है, खासकर ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो उसके टारगेट का करीबी हो। मोसाद एजेंट दुनिया की किसी भी दूसरी खुफिया एजेंसी की तरह ही फर्जी नाम और फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते हैं और खुफिया जानकारी जुटाते हैं। मोसाद अपने सीक्रेट ऑपरेशन को शिद्दत से पूरा करता है। कई बार उसने कुछ मिशन को अंजाम देने में महीनों और साल भी लग जाते हैं। बता दें कि यह एजेंसी टारगेट किलिंग में एक्सपर्ट मानी जाती है। इसी वजह से इसे इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री को मोसाद के हर कदम की जानकारी होती है, यानी मोसाद जो भी कुछ करता है उसके बारे में इजरायली प्रधानमंत्री को अच्छे से मालूम होता है। मोसाद की CIA के बाद पश्चिमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसका सालाना बजट लगभग $10 बिलियन है और इसमें लगभग 7000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े जासूसी संगठनों में से एक बनाता है। मोसाद तकनीकी तौर पर बेहद कुशल और सक्षम ही है, साथ ही यह एजेंसी मानव वृद्धि का भी बखूबी इस्तेमाल करना जानती है। मोसाद भी ऑपरेशनल विंग का काम अब अरब देशों में जासूसी की तैनाती करना और उन्हें मैनेज करना होता है, और इन जासूसों के जरिए ही मोसाद अहम जानकारी जुटाती है। जिसके अलावा मोसाद ड्रोन, सैटेलाइट या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर निगरानी और डाटा जुटाने का काम करती है। बता दें कि टारगेट किलिंग को अंजाम देने का जिम्मा होता है। वही 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक आयोजन हुआ। इस दौरान 11 इसराइली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO पर था। मोसाद ने इस हमले का बदला लेने के लिए 20 साल तो लगाए, लेकिन इस हमले के लिए जिम्मेदार एक एक शख्स को चुन चुन कर मार डाला। इस ऑपरेशन को रेथ ऑफ गॉड नाम दिया गया था। बताया जाता है कि मोसाद ने इजरायली खिलाड़ियों का बदला लेने के लिए फोन बम, कार बम और जहर की सुई समेत कई तरीके आजमाए। बता दें कि फिलिस्तीन कमांडर वादी हयात की हत्या के लिए मोसाद ने अनोखा तरीका अपनाया था, जो विमान हाईजैकिंग में शामिल थे। दरअसल 1976 में एयर फ्रांस में एक विमान का अपहरण हुआ था। बंधकों को छुड़ाने के लिए इसराइल ने ऑपरेशन थर्मन बोल्ट चलाया था, जिसमें उसे कामयाबी मिली, लेकिन इस दौरान एक इजरायली लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हो गई थी। विमान अपहरण और लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत का बदला लेने के लिए मोसाद ने जो किया वो चौंकाने वाला था। मोसाद के एजेंट्स ने जहरीले टूथपेस्ट के जरिए हाथ को मार डाला। जनवरी 1978 से हाथ को जहरीला टूथपेस्ट दिया गया और मार्च 1978 में उनकी मौत हो गई। करीब 3 दशक के बाद हाथ की मौत का सच दुनिया को पता चल पाया था। बता दें कि इसराइल हमेशा से ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ रहा। ईरान को परमाणु शक्ति बनाने से रोकना इसराइल के सबसे बड़े मकसद में से एक है। इसी के चलते नवंबर 2020 में मोसाद ने ईरान की परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फरसदत की हत्या करवा दी थी, और 2018 में इसराइल ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक कार्यक्रम में ईरान के परमाणु कार्यक्रम में फरीक जादे की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा था कि इस नाम को याद रखें।
बता दें कि वर्ष 2004 में जब इजरायली सरकार ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का आदेश दिया था, तब से एजेंसी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तोड़फोड़ और साइबर अटैक का अभियान चला रही थी। यह एजेंसी ईरान पर परमाणु हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले एक्सपर्ट को भी सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बना रही थी। तो वही साल 2007 से 2021 तक मोसाद ने ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवाई। इनमें अधिकांश वैज्ञानिक सीधे फरखीजादे के लिए काम करते थे। इसराइल ने इन हत्याओं के कई तरह से तरीके अपनाए थे। सूची में शामिल पहले परमाणु वैज्ञानिक को 2007 में जहर दिया गया था, दूसरे को 2010 में। बता दें कि मोटरसाइकिल पर लगे रिमोट से बम विस्फोट कर मार दिया गया था। यही नहीं, इजरायली एजेंटों ने मिसाइल डेवलपमेंट के प्रभारी रानी जनरल और उनकी टीम के 16 सदस्य को भी मार डाला। बता दें कि 1966 तक मोसाद चीफ की पहचान गोपनीय रखी जाती थी और आईडीएफ के पूर्व डिप्टी कमांडर मैनेजर जनरल डैनी यातोम की नियुक्ति के साथ ही इसने बदलाव हुआ और मोसाद चीफ का नाम कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही घोषित कर दिया जाता है। साल 2021 में डेविड बानिया को मोसाद का डायरेक्टर बनाया गया था। बानिया इससे पहले मोसाद की डिप्टी हेड रह चुकी थी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।